बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय हिस्ब हिस्ट्री। आज की वीडियो में मैं आपसे बेकरी वाले आलमंड केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत क्विक और नो फेल रेसिपी है और बहुत ही अच्छा केक बनता है। मैं दो तरीके से इस केक को बेक करना सिखाऊंगी। आप इसको देगची में भी बहुत आसानी से बना सकते हैं और ओवन में भी। नॉर्मली मैं ओवन ही यूज़ करती हूँ, लेकिन आपके लिए स्पेशली मैंने इसको देगची में भी बेक किया है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको इस केक का टेक्स्चर और इसकी क्वालिटी समझ आ रही होगी और इसका लुक भी समझ आ रहा होगा। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी आप देख लें। ये बहुत अच्छा बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हम अपना केक टिन प्रिपेयर करते हैं, जिसका मेथड मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ। आपने थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसके अंदर बटर पेपर लगाना है। ये 8 इंच का केक मोल्ड है, याद रखिएगा, और ये रेसिपी इसी केक मोल्ड के लिए है। अगर आपके पास छोटा केक टिन है तो आप इस रेसिपी को हाफ कर सकते हैं, या इससे बड़ा है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे मैंने घी जो है देसी घी इस्तेमाल किया है। मेरे पास बटर अवेलेबल नहीं था, पहले मैंने उसको बटर से लाइन अप कर लिया, फिर अच्छे से घी रिच क्वांटिटी में लगाया। अब कटे हुए बादामों के साथ मैं इसकी डेकोरेशन कर लूँगी। यहाँ पे घी का ही इस्तेमाल करना है या बटर का इस्तेमाल करना है, ऑयल आपने यूज़ नहीं करना। आप नोट कर रहे होंगे मैंने सारे फ्लावर्स बना लिए। अब मैं कुछ कटे हुए बादाम वैसे इसके ऊपर छिड़क दूँगी और इस पैन को मैं फ़ौरन फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि घी जम जाए और ये बादाम सारे उस पर स्टिक कर जाएं। ये 5 इंच का एक और केक मोल्ड मैंने तैयार किया है, इसको मैं देगची में बेक करूंगी। चलिए रेसिपी की तरफ आते हैं। एक बड़े बोल में 200 ग्राम चीनी ले लीजिए, एग्जैक्ट मेजरमेंट है, आपने इसी को ऐसे ही फॉलो करना है। इसके अंदर आपने 200 ग्राम मक्खन या फिर ऑयल का इस्तेमाल करना है, मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है। अब एक अंडा डालिए और उसको बीट कर लीजिए। इसमें टोटल हमने 4 अंडे डालने हैं। आप एक वक्त में एक अंडा डालेंगे, फिर उसको बीट करेंगे और फिर दूसरा अंडा डालेंगे, उसको 1 मिनट के लिए बीट करेंगे और फिर इसी तरह आप सारे अंडों का एडिशन करेंगे। मिक्सर को अच्छे से बीट कर लीजिए। यहाँ पर ये डार्क येलो इसका कलर है, हल्का सा येलो रह जाएगा। हमने इसको यानी 4 से 5 मिनट अच्छी तरह बीट करना है। देखिए मिक्सर का कलर चेंज हो गया, हमने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसके ऊपर मैंने सीव रखी, उसमें मैंने 180 ग्राम फ्लोर डाला। ये मेजरमेंट के साथ है, 180 ग्राम्स मैंने लिया और 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया और इसको अच्छे से छान के अंडों वाले मिक्सचर में डाल दिया। अब हम इसको हल्के हाथों के साथ फोल्ड करेंगे। मैंने बहुत दफ़ा एक्सप्लेन किया है कि आपने विगरेसली बीट नहीं करना, बल्कि हल्के हाथों से फोल्ड करना है। साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच कटे हुए बारीक कटे हुए बादाम जो हैं वो डाल दिए। बादाम का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और इसको हल्के हाथों से फोल्ड कर लें। थोड़ा सा मैंने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया, 1 टीस्पून के बराबर। मिक्सर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम अपने प्रिपेयर्ड टिन जो है वो निकालेंगे फ्रीज़र से और इसको उसमें पोर कर देंगे। देखें बादाम अच्छे से उसमें स्टिक हो गए क्योंकि घी जम चुका था। अगर आपके पास बटर है तो बटर से भी सही तरह से जम जाता है। मैंने थोड़े से कुटे हुए बादाम और डाले हैं क्योंकि इसमें मुझे बादाम का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। सारे मिक्सचर को इसमें डाल दें, हल्का सा टैप करें। इसको मैंने इलेक्ट्रिक ओवन में बेक किया, दोनों ग्रिल ऑन के साथ मैंने 180 डिग्री पर इसको बेक किया और मैंने ओवन को प्री हीट भी किया ताकि वो प्रॉपरली हीट अप हो जाए। इस केक में बेक होने में 35 मिनट से ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि ये एक बड़ा केक था, इस वजह से इसका टाइम बेकिंग टाइम ज़्यादा है। साथ ही मैंने उसी रेसिपी को हाफ करके अलहदा से बैटर बनाया और 5 इंच के मोल्ड में डाल दिया। उसको मैं देगची में बेक कर रही हूँ। देगची में बेकिंग का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि ये स्टील की देगची में एक छोटा सा मैंने रखा है बर्तन और इसको गर्म किया 15 मिनट। अब इसमें हमने केक को रखा, एहतियात के साथ रखिए, ये बहुत गर्म है, और इसको कवर कर दिया। ये स्टील की देगची है, इसमें ये 15 से 20 मिनट में बेक हो जाएगा मीडियम आंच पे। ये आंच आप देख रहे हैं, और स्टील की देगची का ये फ़ायदा है, ऊपर ढक्कन भी स्टील का है, प्रॉपरली बेक हो जाएगा। ख्याल रहे मैंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा बेक कर लिया था, इसके लिए ये पैन छोटा था पैन साइज़, तो मुझे इसको 20 मिनट में निकाल लेना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा बेक किया तो जिसकी वजह से ये एक साइड से सुर्ख हो गया था। आपने सांचे के पैन के हिसाब से बेक करना है, उतना ही टाइम देना है। इस साइज़ के 5 इंच के मोल्ड को मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक एग्जैक्ट 20 मिनट्स लगेंगे। अब हम दोनों केक्स जो हैं उनको प्लेट्स पर निकाल लेंगे ठंडा होने पर। पहले हम निकाल के उनको ठंडा करेंगे, फिर ठंडा होने पर निकाल लेंगे। ये देखें, ये इसकी लुक है, इन्वर्टेड साइड है इसकी, जिधर से हमने डेकोरेट किया था।
ये बहुत अच्छा बना था। अब इसको ग्लेज करने का मैं एक आपको तरीका बताऊंगी कि इसको ग्लेज किस तरह से करते हैं। आप चाहें तो आप अगर चीनी का इस्तेमाल कम करते हैं तो आप इसको शुगर सिरप से ग्लेज मत करें। ग्लेजिंग के लिए मैंने 2 से 3 चम्मच कोई भी जैम जो भी आपको अवेलेबल है उसको लिया एक पैन में, उसमें थोड़ा सा पानी डाला और उसको हीट कर लिया। वो एक सिरप की शक्ल में आ जाएगा। ये देखें, ये एक सिरप की शेप में आ जाएगा। अब ये हमारा जो ग्लेजिंग सिरप है ये तैयार है। यहाँ पे अगर आपके पास जैम अवेलेबल नहीं है तो आप 2 से 3 खाने के चम्मच चीनी लेके उसको थोड़े से पानी में इस तरह से मेल्ट कर लेंगे और थोड़ा सा कुक कर लेंगे तो वो एक शीरा सा बन जाएगा। उससे भी आप इसको ग्लेज कर लेंगे। ग्लेज करने का फ़ायदा ये है कि एक तो इसमें इसका जो है लुक वो बड़ा शाइनी और चमकदार सा हो जाता है, प्लस इसका टेस्ट भी इम्प्रूव होता है। इस जैम के मिक्सचर को हम चम्मच की मदद से अपने केक के ऊपर हल्का सा फैला देंगे। वीडियो में आप तरीका नोट कर लें। मैंने इस तरह से जितनी मिकदार आपको चाहिए, जितनी ज़्यादा शाइनिंग चाहिए, जितनी ज़्यादा मीठा आपको पसंद है, आप उसी हिसाब से करिएगा। मैं बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट नहीं लेती, तो मैंने एक केक को आपके लिए ग्लेज किया है और दूसरा केक जो मैंने देगची में बेक किया है वो मैंने बगैर ग्लेजिंग के रहने दिया है। ये देखिए, ये जो देगची वाला केक है मैं उसको आपको कट करके दिखाती हूँ, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर शो करती हूँ। ये एक साइड से आपको थोड़ा सा सुर्ख नज़र आ रहा है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि ये 25 मिनट्स मैंने दिए थे और केक छोटा था। ये देखें, ये फाइनली कुक हुआ है। ये सारा केक मैंने काट लिया है। आपको नजर आ रहा होगा कि देगची में भी कितना बेहतरीन बेक हुआ है। नीचे से इसकी साइड से मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ, थोड़ा सा ये ब्राउन हो गया था, बट इट वॉज फाइन टू ईट। तो इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।